दोस्तों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल कंसल्टेंसी एंड एसोसिएट्स की तरफ से आप लोगों के बीच में आज हम लोग बात करेंगे धारा 107 और 116। धारा 107 और 116 क्या है, कहां से आई है, किस अधिनियम से आई है, किन पर लागू होती है, किन परिस्थितियों में लागू होती है और कौन इसको लागू कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। और इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि जो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है, जो मकसद है, मैं गरीबों के हक की और मजदूरों के हक की लड़ाई को लड़ता हूँ। तो मेरा मकसद हर उस मजलूम, हर उस मजबूर तक कानून की जानकारी को पहुँचाना है, जो लोग पैसे के अभाव में, धन के अभाव में कोर्ट कचहरी नहीं जा पाते, वकीलों की सलाह पैसे के अभाव में नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं बहुत मामूली और बहुत आसान सी होने वाली ये कानूनी धाराएं उनका जीवन बर्बाद कर देती हैं केवल पैसे की वजह से। तो मेरा मोटिव है कि मैं आके आप लोगों को कानून की जानकारी दूं, आप लोगों की मदद करूं, आप लोगों को बताऊं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जो व्यक्ति जो आखिरी कोने में बैठा हुआ है समाज का व्यक्ति, जहाँ तक हमारी नॉलेज नहीं पहुँच पाती, व्यक्ति नॉलेज नहीं ले पाता है, तो वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरी बात पहुँचे और वो व्यक्ति कानून जाने, अपने अधिकारों को जाने और समाज में अपने आप को सुरक्षित रख सके। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो पुलिस है वो धारा 107 और 116 बहुत इम्प्लीमेंट करती है लोगों के ऊपर। ये क्या होता है, हमारी एक कानून की किताब होती है जिसका नाम है CRPC। CRPC के सेक्शन 107 116 ये पुलिस उस स्थिति में एप्लीकेबल करती है जब किसी दो पक्षों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है या कोई मामूली घासुनी होती है, जहाँ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं होता, कोई गंभीर प्रकृति की चोटें नहीं होती, जहाँ केवल मामला गाली गलौज, थप्पड़ या मारपीट तक सीमित रहता है या धमकी तक सीमित रहता है, और दोनों ही पक्ष पुलिस थाने पहुँच करके अपने अपने प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष को देते हैं या चौकी इंचार्ज को या कहीं भी पुलिस बड़े अधिकारियों को देते हैं। तो ऐसे में पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, कि दोनों पक्षों में कोई बवाल होता है तो जिम्मेदारी पुलिस की ना बने, दोनों पक्षों को इन धाराओं में पुलिस पाबंद करती है और दोनों को गिरफ्तार करेगी, दोनों पक्षों से जितने भी लोगों के नाम तहरीर में होंगे, और पुलिस उनको लेकर के संबंधित जो मजिस्ट्रेट होगा उनका वहाँ, जो मैं आपको बता दूँ यहाँ मजिस्ट्रेट से जो मतलब है वो कानून का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी कोर्ट्स जो होती हैं वहाँ पर उन लोगों को लेके जाएंगे, उनके मुचलके भरे जाएंगे, उनकी जमानतें हो जाएंगी, वो लोग अपने अपने घर आ जाएंगे। तो सबसे पहली इसमें जो मुख्य बात ये है कि इसमें आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये धारा जो है वो जमानतियाँ हैं, अगर आप पर लगती है तो आपकी जमानत हो जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। नंबर दो इसकी जो बात है, जो उसमें जो विशेषता है धारा में, वो ये है कि पुलिस ने अगर आपको पाबंद कर दिया है इन धाराओं में और आप जमानत ले चुके हैं, तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप कानून को मानें, चुपचाप अपने घर जाएं और आगे से झगड़ा फसाद ना करें, क्योंकि आगे से झगड़ा फसाद अगर आप लोग करते हैं तो आने वाले समय में आपके ऊपर जो धाराएँ पुलिस जो लगाएगी, जो मुकदमे आपके दर्ज होंगे वो गंभीर प्रकृति के होंगे और आपके ऊपर गुंडा एक्ट और तमाम बड़े अधिनियम पुलिस लगा सकती है, क्योंकि पुलिस आपको एक बार पाबंद कर चुकी है और बार बार आप कानून को तोड़ेंगे, उसका वायलेशन करेंगे, तो पुलिस आपके ऊपर जो गंभीर धाराएं हैं वो आपके ऊपर लगाएगी, जिससे कि आपको जेल में अधिक से अधिक समय रखकर आपके जो व्यक्तित्व है लड़ाई झगड़ा करने का, उसमें सुधार को लाया जा सके। तो आप लोगों को समझना होगा कि आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, लड़ाई झगड़ा किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है, और अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और 107 और 116 CRPC की कार्यवाही आपके ऊपर हो रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, संबंधित मजिस्ट्रेट में आपको पेश किया जाएगा, आपको आपके परिवार वालों को सूचना देने के लिए, सूचित करने के लिए आपको फ़ोन करने की थाने से छूट होगी, आप किसी एक व्यक्ति को या अपने किसी वकील को फ़ोन करके इस घटना के संबंध में जानकारी दे सकते हैं, वो वहाँ पर आएंगे, वकील आपके वहाँ पर आएंगे, आपकी जमानत हो जाएगी, आप लोग अपने घर जा सकते हैं। और ये जो मामला है वो 151 से मिलता जुलता है, ये मामले 6 महीने तक प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में मॉनिटरिंग किए जाते हैं, इनका उद्देश्य आपके आपको सुधारना है, आपको अपराधों को करने से रोकना है और 6 महीने में ये मामले ख़त्म हो जाते हैं। तो इन मामलों में अगर आपके ऊपर ये मामले दर्ज होते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मामला जमानती है, आपको जेल नहीं जाना है, 6 महीने में मामला ख़त्म हो जाना है, और आने वाले भविष्य में अगर आपकी कोई नौकरी सरकारी कहीं लगती है या किसी प्रकार का आप कोई व्यापार या व्यवसाय आप करते हैं, तो इन मामलों में अगर आप 6 महीने पाबंद रहे हैं तो आपके आने वाले भविष्य पर भी इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है,
आपकी नौकरी ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपके भविष्य को ये धाराएं खराब नहीं करती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। 107-16 जो है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका सामना करें और पुलिस अधिकारियों के दबाव में ना आएं, किसी को भी रिश्वत के रूप में एक रुपया ना दें। अगर आपके ऊपर पुलिस गलत तरीके से 107-16 की कार्रवाई करती है, अगर आपको बेकसूर होते हुए पुलिस आपको फंसाती है, आप हमें हमारा जो इनबॉक्स है वहाँ पर लिखिए, हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखिए, हमारी लीगल टीम 24 घंटे में आपसे संपर्क स्थापित करेगी। हम आपको जो बेस्ट ओपिनियन और बेस्ट जो लीगल राय होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ऑल ओवर इंडिया हम आपको एडवोकेट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपकी लीगल हेल्प हम करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, पुलिस का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।